एक बार बताओ पापा, तुम बड़ो मत मानिए मेरी बात को। मोए तुम आज बता दे, मेरा कोई बड़ो भैया भी है यहाँ घर में। मोए आज पता चल रही है मेरा बड़ो भैया भी है कोई। और मैं बचपन से यूं ही सोचता आ रहा हूँ कि मैं अपने घर में इकलौती औलाद हूँ। और तुम यह बात मो आज बता रहे हो है, जब वो यहाँ आ रहा हो तब बता रहे हो यह बात है कि हाँ मेरा कोई बड़ो भैया भी है। धलुआ का है वो यार, कैसे उदास बैठो है? अब यार का बताऊं तो को? जब तू अपनी बात अपने जिगरी यार ये ना बताएगा तो फिर कौन बताएगा? यह बात बता पहले तुम लोगों। यही बात की यारी दोस्ती रह रही हमारी। ए भाई, ए यार तू तो नेक नेक बात को बड़ो मान जावे। मैं यह बात सोच के उदास हूँ यार, पैसा कहाँ से आवे हैं? बहुत बहुत कंगाली आ रही है मुँह पे तो। यहाँ पे मैं एक एक पैसा को तरस रहा हूँ, ना कहीं काम मिल लो ढंग का मुँह को। जो 2-3 महीना ढंग के काम कर लूँ फिर पैसे ही पैसा आ जाएगा मुँह पे। एक रुपया ना आया आते मुँह पे, क्या करूँ यार। चल चले कहीं काम देखने। अरे मोए का जरूरत काम की है तो यह बात सोच, मैं अपने घर में इकलौती औलाद हूँ है और मेरे पापा करोड़पति, तो मोए का जरूरत कमाने की। मेरा पापा जितना कमाएंगे मैं रही है सब। तो मोए मोए का जरूरत कमाने की। मैं तो यूँ सोचू अभी ते मैं वह पैसा उड़ाऊँ कैसे, इतना पैसा कमा मैं हमारे पापा, वह उड़ाऊँ कैसे मैं और इकलौती औलाद हूँ मैं, कैसे कैसे खर्च करूंगा वह इतने पैसा। मतलब फिर तो कमाएगा ना है ना? ए यार धनवा तू यह बात सोच, अब मैं भी कमाने लग जाऊंगा तो मैं इतने पैसा को करंगो का है, इतने पैसा को करंगो का, पापा ही करोड़ रुपए छाप रहे तो मोए का जरूरत कमाने की। अगर मैं मर मरा गो सब सब यही धरो रह जाएगा। मैं यह मारो ना कमाना चाहूँ। मैं तो बल्कि यह बात सोचू, जब तक मैं बूढ़ो है के मरंगा ना तब तक ही मुँह पे पैसा खत्म है पाएगा पापा को, तो यह मारा नहीं कमा रहा मैं। तो बेफालतू को पैसा कमाने की क्या जरूरत है? तू ही सोच क्या जरूरत बेफालतू के पैसा कमाने की। तेरे पापा भी ना कहे तो पैसा कमाने की। अरे कहे क्यों ना कहे, खूब कहे वो तो के पैसा कमा ले, पर मैं पापन तो यूँ कह दूँ पापा कमाऊंगो पैसा भी, पर मैं अच्छी जगह काम देख रहा हूँ, पहले काम मिल जाए अच्छी जगह जब कमाऊंगो पैसा मैं। बहुत पैसा कमाऊंगो पापा मैं, ऐसे ऐसे कह दूँ मैं पापन पे। फिर पापा कह दे चल चल कोई ना कोई बात ना, देख ले काम बढ़िया जगह देख ले, जब जब करियो काम। तू बढ़िया, चल चल ठीक है, फिर मैं चल रहा है चल रहा हूँ, फिर बाद में मिलूंगा तोते। हाँ ठीक है ठीक है। मो तो ऐसे आराम की जिंदगी जीनी है, मैं कमा के का करूंगा? धनवा भी जन कैसी कैसी बात करे मोते, मेरा पापा ही करोड़पति है तो मो का जरूरत कमाने की। मो तो ऐसे आराम की जिंदगी जीनी है, वो पैसा उड़ाने के लिए बनाऊ मैं, उड़ाने के लिए। पैसा कमाने के लिए नहीं बनो भज्जी, उड़ाने के लिए बनो, कितना भी उड़वा लो भज्जी पे पैसा। हाँ हाँ बेटा, कहाँ पहुँच गया तू? बस जल्दी आने वाला हूँ मॉम, थोड़ा इंतजार करो ना। खज्जी तो कह दे आराम से आवे, आराम से, कोई दिक्कत ना, चोट वोट न लग जावे कहीं, जल्दबाजी में आवे। खज्जी बेटा तेरे पापा कह रहे हैं आराम से आइयो। हाँ आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है बेटा? ठीक है मॉम। का कह रहा खज्जी? यू कह रहा बस आने वाला हूँ थोड़ी देर में। ए वाह मम्मी वाह, आज तो तरह तरह के व्यंजन बनाए तुमने, क्या बात है मम्मी। अब रहो ना जा रहा मम्मी, हाँ मुँह पर रहो ना जा रहा। ना ना करे हाथ पीछे, यू तेरे लिए ना बनाए, सुनी तेरे लिए ना बनाए, यू तेरा भैया आ रहा बड़ो। ए पापा जो भी भैया आ रहा हो बाद में खा लेगा, बाद में खा लेगा, पहले मुँह तो चखन दो, रिश्तेदार तो खा लेंगे, बाद में मैं चख के तो देखूँ नमक वमक ठीक है ना आए है। अरे वो कोई रिश्तेदार ना, तेरा भैया है बड़ो, सुनी। हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो, चाचा तब कोई बड़ा लड़का आ रहा होगा है नी, वो रिश्तेदारी तो हमारे लिए, और कौन है? तेरा सगो भैया आ रहा बड़ो। क्या कह रहे हो? तेरा सगो भैया बड़ो, तोते बड़ो। वो कब पैदा हुआ? तोते 2 साल पहले पैदा हुआ, तेरा बड़ो भैया 2 साल बड़ो तोते, सुनी। और तुम वो आज बता रहे हो? एक बार बताओ पापा, तुम बड़ो मत मानिए मेरी बात को, मोए तुम आज बता रहे हो मेरा कोई बड़ो भैया भी है यहाँ घर में? मोए आज पता चल रही है मेरा बड़ो भैया भी है कोई। और मैं बचपन से यूँ ही सोचता आ रहा हूँ कि मैं अपने घर में इकलौती औलाद हूँ। और तुम यह बात मो आज बता रहे हो है, जब वो यहाँ आ रहा हो तब बता रहे हो यह बात है कि हाँ मेरा कोई बड़ो भैया भी है। ए भज्जी बेटा बता दे तो तू, आ रहा तेरा बड़ा भैया आज देख लियो अपने बड़े भैया। पापा यू तुमने ठीक ना करो है, मैं बता रहा हूँ यू तुमने ठीक ना करो मेरे संग। और मम्मी तुम भी है, तुमने भी मुझे यू बात ना बताई कि मेरा कोई बड़ा भैया भी है, मुझे आज पता चल रही है मेरे बड़े भैया के बारे में, जब मैं 15-16 साल का है जब पता चल रही है मेरा कोई बड़ा भैया है। मम्मी तुम तो यू मेरे नाई मुझे है। अरे भज्जी बेटा गुस्सा मत हो, हम तेरे को सरप्राइज देना चाहते थे कि हाँ तेरा कोई बड़ा भैया भी है। यू कोई मिठाई को डिब्बा, यह बात बता पापा पहले तो मो
मोकू है यू कोई मिठाई का डब्बा जो तुम बार मोकू देख ले बेटा सरप्राइज। ले तेरी मनपसंद मिठाई लाया हूं। और कहां करे और रह रहे कहां पे? विदेश रहवे। वहां का करे वहां का अपनी का मतलब वहां का गाने वाने गावे हैं। विदेश में ऐसे ही हूं मैं एक्टर वेक्टर वो गाने वाने गावे फिल्म बनावे वो का करे वहां पे काम करे वहां पे काम तेरी तरह थाली ना बैठ रहे सुनी काम करे वहां पे। हे मॉम हे डैड लो आ गया हमारा बेटा। अरे बेटा खड़ा क्यों है बैठ बैठ आ बैठ। हे डैड कैसे हो आप? अरे मैं तो बढ़िया हूँ खज्जी बेटा कोई आने में दिक्कत तो नहीं हुई तुझको? नो डैड यार चश्मैया उतार के बात कर ले दिखा रहा तू हमें के आयो विदेश से शकल तो दिखा तुम लोगों अपनी कैसो कैसो ना। हे डैड यही है क्या अपना छोटा भाई? हाँ हाँ खज्जी बेटा। ए यू तो मादर चोद मेरी शकल पे बिल्कुल या टोपा उतार रही चलो बार तो ना मेरे जैसे अभी तो युवा पहले तो ही पता ही के मेरा कोई छोटा भैया भी है और क्या यार का एक बताई यू बात है तुमने मुँह तो बताई ना यू बात का तेरा कोई बड़ा भैया भी है तुम पहले यह बात बताओ मुँह को यार का एक बता दी है यार का एक बता दी का तेरा छोटा भैया भी है। अरे भाई बज्जी गुस्सा क्यों होता है यार तू बीच में ना बोलेगा सुनी हाँ मैं बता रहा हूँ तू बीच में ना बोलेगा जब बाप और छोटा बेटा आपस में बात कर रहे हो ना तो बड़े भैया बोलने को बीच में कोई हक ना होकर विदेश में सिखाई ना यू बातों को। पापा तुम्हारे कर्तव्य ने देख के एक ही बात साबित हो गए कई बात तुम मुझसे प्यार नहीं करते पापा तुम मुझसे प्यार नहीं करते तुम का मम्मी भी मुझसे प्यार न करे तुमने इतनी बड़ी बात छिपाई मुझे है पापा इतनी बड़ी बात छिपाई कि मेरा कोई बड़ा भैया भी है। मैं तो आज तक यही सोचता आया कि मैं अपने घर में इकलौती औलाद हूँ पर मुए का पता ही तुमने ये मादरचोद भी छिपा के रख रखा है। उस में बात कर रहा जी बड़े भाई से ऐसे बात करते बड़ो भाई है पापा बड़ो भाई तुम मुझे उम्मीद लगाए बैठे हो कि मैं यहाँ से बड़ो भाई का मुझे अभी 2-3 मिनट पहले पता चली है कि मेरा कोई बड़ो भैया भी है मैं यहाँ से बड़ो भैया कहूँगा। का नाम है अभी तेरा? भज्जी। एक बात और बता तुम लोग ऐसे भज्जी धज्जी कच्ची लच्छी मच्छी ऐसे ऐसे कितने और है अभी अभी तो और भी होंगे उन्हें भी बता दो और कितने भैया मेरे होंगे 6-7 तो होंगे है काय को नाम कच्ची होगो काय को नाम मच्छी होगो या को नाम खज्जी है और मेरा भज्जी है ऐसे कितने और है और कितने ऐसे जो तुमने विदेश भेज रहा है कौन? अब ना एक तुम दो नहीं हो यू तो 2 साल बड़ो है और तू यहाँ 2 साल छोटो हो। मैं कैसे मान लूं या बात मैं कैसे मान लूं कि हाँ अब ना हो कोई मेरा भैया अभी मुझे 2-3 मिनट पहले पता चली है कि हाँ मुझे 2 साल बड़ो भैया भी है अभी 5 साल बड़ो भी हो सके कोई 10 साल बड़ो भी हो सके कोई या अभी 1-2 महीना को भी हो सके कोई कैसे कैसे मालूम है तुम्हारी बात है तुमने भरोसा करने वाली कोई बात ही ना छोड़ी है पापा मैं कैसे मानूं अब मेरा कोई भैया ना है तुमसे तो बात ही ना करनी चाहिए जिन कांका छुपा के रख रखे आए यू विदेश से अभी कोई पता ना पाकिस्तान से भी आ जावे कोई। अरे खज्जी बेटा तू क्यों मोहल्ल टका के बैठा है तू खाना खा भूख लगी होगी तेरे को। यू भी कोई बात है हमारे मम्मी पापा की पता ना ऐसे दिन कितने रहस्य छुपाए रखे बैठे हैं यहाँ घर में। मैं तो सोच रहा हूँ जिंदगी भर के पापा जितना कमा रहे हैं सब मेरा ही है कहाँ उड़ाने है पापा मुझे उड़ाना पड़ेगा अब मुझे का पता है यू एक और बड़ेला है हमारे घर में अब है जाएगा सगड़ा 50-50 अब यह बात अभी तो ढंग के भरोसा ना कर सकूँ की हाँ मेरा अब यू ये एक भैया अभी कोई पता ना 1-2 राजा में विदेश से टपक गया मैं यहाँ फिर 2% भी ना आवे ढंग के हिस्सा में। अरे भज्जी मैं तेरा बड़ा भैया हूँ यार नमस्ते वमस्ते नहीं करेगा क्या मेरे से इतने दिनों बाद मैं तेरे से मिलने आया हूँ। माधर चोद कान के नीचे ऐसा धरंगा हाँ मैं बता रहा हूँ कान के नीचे ऐसा धरंगा अभी होश ठिकाने लगा दूंगा तेरे एक तो मेरा मूड खराब कर दिया और ये और कह रहा नमस्ते करूँ तोते मतलब 2-3 महीने तोते प्यार से बात कर ली तो मुझे तू सीधा साधा इंसान समझ रहा होगा है काट दंगो मेरा भी नाम खज्जी है सुनी अब का बोले दोबारा का कह रहा हूँ मैं तोते यू कह रहा हूँ मैं तेरा बड़ा भैया हूँ सुनी बड़ा भैया तमीज में बात कर मुझे तमीज में। अच्छा तो तू सिखाएगा मुझे तमीज? हाँ मैं सिखाऊंगा अगर तू ना सुधरो तो कहीं ना सिखावे आज तक यह धरती में कोई पैदा ना हुआ जो मुझे तमीज सिखा सके सुनी तो जैसे जन कितने आए और कितने चले गए और कोई भी मुझे तमीज में ना ला पाया सुनी कोई ना सुधार पाया मुझे भज्जी नाम है मेरा भज्जी सुधरो ना सुधरो भी क्या और सुधारूं चलो यह धरती पे कोई तो आया ऐसा जो भज्जी ते पंगा ले सके
अब आएगा मजा। तेरी तो हल्के में ले रहा हूँ, हल्के में। ए कौन है भजी? थूच चितवा जब बता रहे फोन लेंगे, चितवा ये थूत है।